हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया में है, इसलिए हम हर क्लास में लगातार आपको सचेत कर रहे हैं, क्योंकि ये जिम्मेदारी है हमारी। एक शिक्षक का काम सिर्फ इतना नहीं है कि वो किताबी बातों को पढ़ाए, उसकी जिम्मेदारी ये भी है कि जब जरूरत हो तो आपको सचेत भी करता रहे। सरकार आपके लिए बहुत सारे एक्शन ले रही है कि आप कोरोना से बच जाएं, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप कदम से कदम मिला करके स्वच्छता को बनाए रखें, अपने आप को साफ रखें, जहां पर रहते हैं वहां भी सफाई रखें, और अगर बीमार महसूस कर रहे हो तो तुरंत अस्पताल में जाएं। अगर आपको सर्दी जुकाम या सर दर्द है तो अपने मुंह नाक को ढक के रखें और अस्पताल तुरंत जाएं। साथ ही अपने हाथ को धुलते रहें और हाथ से नाक और मुंह और आँख को मत छुए, क्योंकि ये सेंसिटिव जगह होती है, यहाँ से वायरस आसानी से फैल जाता है। तो उम्मीद है कि आप अपना ख्याल रखेंगे और आपकी जिम्मेदारी है, रखना भी चाहिए। इस क्लास को हम शुरू करते हैं। हम इतिहास के इससे पहले वाले क्लास में हमने मौर्य काल पढ़ लिया था कि उनकी आर्थिक दशा कैसी थी, राजनीतिक विकास क्रम उनका कैसा था। हमने अशोक के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ लिया था, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ लिया था, यानी कि पूरे मौर्य साम्राज्य को हमने विस्तृत रूप से पढ़ लिया था और बहुत महत्वपूर्ण भी था, इसलिए उसको ज़्यादा टाइम देके हमने पढ़ाई भी किया था। अब उससे आगे हम पढ़ेंगे, जब मौर्य वंश समाप्त होता है तो शुंग वंश की स्थापना होती है। तो शुंग वंश के बारे में आज हम पढ़ेंगे और देखेंगे क्या महत्वपूर्ण बातें हैं और कहाँ से सवाल बन सकते हैं, इन सबकी हम चर्चा करेंगे। तो मौर्य के बाद जो काल आता है उसको मौर्योत्तर काल कहा जाता है, यानी कि मौर्य और उसके बाद के जो काल है मौर्योत्तर काल है। तो ये शुंग वंश और कर्ण वंश या आंध्र सातवाहन वंश, ये सब मौर्योत्तर काल के हैं। तो इसमें पहला वंश हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना BC में होती है और इसके संस्थापक पुष्पमित्र शुंग है। पुष्पमित्र शुंग इसके संस्थापक हैं। स्थापना कब होती है? 184 ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 184 वर्ष पहले शुंग वंश की स्थापना होती है। और इसके संस्थापक कौन हैं? पुष्पमित्र शुंग हैं। जानकारी के जो स्रोत हैं उसको देख लेते हैं। जानकारी के स्रोत जो है वो पतंजलि का महाभाष्य है, तथा गरुड़ स्तंभ, ये पहला है पतंजलि का महाभाष्य। दूसरा गरुड़ स्तंभ है। तीसरा मनुस्मृति। ये सब जो है जानकारी के स्रोत हैं जिससे जानकारी मिलती है शुंग वंश के बारे में। तो मौर्य के अंतिम शासक की हत्या करके एक जो है शुंग वंश की स्थापना होती है। ये जो है ब्राह्मण थे, इनकी जाति क्या थी? ब्राह्मण थी। और जब ब्राह्मण कट्टरता की बात होती है, जहां पर ब्राह्मण कट्टरता की बात की जाती है, वहां पुष्पमित्र शुंग का जिक्र जरूर होता है। अब इसमें कितनी गंभीरता है या क्या कितना सच है कितना गलत है, इस पर एक अलग से बहस हो सकती है। यहाँ पर हम लोग इस पढ़ाई के दौरान किसी ऐसे
मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं जो किसी की भावनाओं को आहत करें या जो है जिन पर हम चर्चा एक क्लास में नहीं होनी चाहिए, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन उस पर चर्चा जरूर करेंगे जो यह निर्धारित करेंगी कि उस वक्त वास्तव में था क्या और आज उसके बारे में कौन सा भ्रम फैलाया जा रहा है। इतिहास इसीलिए पढ़ा जाता है। मैं शुरुआत से जब इतिहास आपको पढ़ाना मैंने शुरू किया तब से मैं कह रहा हूँ कि इतिहास को बस उसकी प्रासंगिकता के लिए पढ़ा जाता है, उसकी रिलेवेंसी के लिए पढ़ा जाता है कि पुराने समय में जो चीज़ें थी और वर्तमान समय में जो घटनाएं घट रही हैं वो कैसे संबंधित हैं, उनसे हमको क्या सीख लेनी चाहिए और अपने वर्तमान जो व्यवस्थाएं हैं उसको चलाने में किस प्रकार उनका इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, उनका प्रयोग हो सकता है, इसीलिए इतिहास होता है। लेकिन कई बार होता क्या है कि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर आपके सामने पेश किया जाता है और उसके आधार पर आप अपने विचारों का निर्माण करते हैं और जब विचार बनते हैं वही विचार आपके कार्य में परिवर्तित होते हैं और आपके कार्य जो हैं समाज को सीधे सीधे प्रभावित करते हैं। इसलिए इतिहासकार और इतिहास पढ़ाने वाले बहुत जिम्मेदार व्यक्ति होने चाहिए, क्योंकि इतिहास जो है ये बहुत ही ज़्यादा भावना से जुड़ा हुआ चीज़ होता है। अगर इतिहासकार ने कोई भी लाइन गलत लिखी तो उसका इम्पैक्ट बहुत गहरा हो सकता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो इतिहासकार है वो बायस्ड नहीं होना चाहिए किसी विचारधारा से, तथा जो अध्यापक है जो इतिहास को पढ़ा रहा है वो भी किसी विचारधारा से बायस्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो बायस्ड हुआ तो उसके परिणाम बहुत गलत हो सकते हैं। होता क्या है कि हर व्यक्ति जिस कम्युनिटी में रहता है उसके अंदर अपनी कम्युनिटी को लेकर के फीलिंग होता है और ये नेचुरल है। ये ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति जो है सांप्रदायिक शब्द जो है ये अपने आप में नकारात्मक रूप से लगातार इस्तेमाल होता आया है, लेकिन इस शब्द को अगर नकारात्मक रूप से ना देखा जाए तो उसके अलग एस्पेक्ट को आप समझ पाएंगे। सांप्रदायिक यानी कि कम्युनिटी की हिंदी होती है संप्रदाय, और अपने संप्रदाय के प्रति बहुत ज़्यादा कठोर रहना, कट्टर रहना, यही सांप्रदायिकता है। तो अगर सांप्रदायिकता हिंसक नहीं है, अगर कोई अपने संप्रदाय को लेकर के हिंसक प्रवृत्ति नहीं रखता है तो सांप्रदायिक होना बहुत हद तक गलत नहीं है, क्योंकि आप जिस कम्युनिटी में रहते हैं उस कम्युनिटी को के साथ आपका संबंध है और जिसके साथ आपका संबंध है निश्चित तौर पर आप उसका फेवर करेंगे। ये एक मानवीय गुण है, या कह सकते हैं प्राणी होने के नाते आपका एक गुण है। इंसान ही नहीं, किसी अन्य कोई अन्य जानवर है जो दूसरा प्राणी है, जब उसके वर्ग में आप जाते हैं तो आप देखिए कि वो अपनी कम्युनिटी को लेकर के कितना ज़्यादा सतर्क होता है। उसको नहीं पता कि इतिहास क्या है, समाजशास्त्र क्या है, व्यवस्थाएं कैसे चलती है, लेकिन अपनी कम्युनिटी को लेकर के वो बहुत सतर्क रहता है। तो कम्युनिटी की जो धारणाएं हैं वो निश्चित तौर पर भावुक होती हैं, भावनात्मक होती हैं, और इसीलिए जिम्मेदारी ये होती है किसी अध्यापक के इतिहासकार की कि वो सही जानकारी दे। तो जब इतिहास से किसी कम्युनिटी को जोड़ा जाता है तो व्यक्ति उसको बहुत ही गंभीरता से लेता है। यहाँ पर भी आप चर्चा करेंगे, हम पतंजलि को पढ़ेंगे और मनुस्मृति बहुत ज़्यादा चर्चा में रहने वाला एक कानून का किताब है जो भारत के इतिहास में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वर्तमान में कोई भी बात जब की जाती है, खासकर जात व्यवस्था के इतिहास को लेकर के या ब्राह्मणवाद को लेकर के या वर्ग में जो विभेद है उसको लेकर के, तो मनुस्मृति हर बार उदाहरण के रूप में रखी जाती है। तो आप एक अधिकारी होने के नाते जब आप जाएंगे, आप मेंस लिख रहे होंगे, आप इंटरव्यू बोर्ड में जाएंगे, और ये समझना होगा आपको कि वास्तव में सच्चाई क्या है।
क्या आपने जो है टीवी डिबेट को देख करके या बहुत सारे बायस्ड इतिहासकार को पढ़ करके अगर आपने अपनी राय बनाई है तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है, इसलिए आपको फैक्ट जानना होगा। तो यहाँ पर हम इस चीज को ध्यान में रखेंगे, ये इतना वक्त हमने इसलिए लिया है क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे हैं, इस पर बात बहुत ही ज्यादा गंभीरता से करनी चाहिए। यहाँ पर आपने देखा कि शुंग वंश की स्थापना होती है 184 BC के आसपास, इसके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग हैं। इसकी जानकारी के स्रोत पतंजलि है, पतंजलि का महाभाष्य है और मनुस्मृति है और गरुड़ स्तंभ है, ये सब इसकी जानकारी के स्रोत हैं। अब इसमें जो दो तीन महत्वपूर्ण बातें हैं इनको समझने की जरूरत है वो ये है कि इस वक्त की जो व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था, यहाँ के सामाजिक व्यवस्था से कई बार प्रश्न आए हैं, इसलिए इसकी सामाजिक व्यवस्था को समझना जरूरी है। ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए इतिहास में जो है इनको जगह बहुत कम दी गई है, बहुत कम जगह दी गई इतिहास में, और इस पर अलग से बहस हो सकती है कि जगह कम क्यों दी गई है, क्योंकि अगर इससे पहले के इतिहास का जिक्र अगर बहुत ज़्यादा ब्रॉड रूप में किया गया है तो इसका क्यों नहीं किया गया है, इस पर एक अलग बहस हो सकती है। ब्राह्मणवादी कहते हैं कि जो बाद जो इतिहासकार हुए वो बायस्ड थे और उन्होंने जानबूझकर इसके इतिहास को कम किया, लेकिन ये उनका अपना तर्क है, हमको उसमें नहीं फंसना है, हमको एक जो है ना इधर जाना है ना उधर जाना है, बीच के रास्ते को अख्तियार करना है, जो एक अप्रोच एक अधिकारी की होनी चाहिए, एक सरकार की होनी चाहिए, उस अप्रोच को लेकर के हम चलेंगे। तो पुष्पमित्र शुंग जो है एक ब्राह्मण राजा है और मौर्य के अंतिम शासक को मार करके ये जो है शुंग वंश की स्थापना करता है। क्योंकि अशोक के टाइम अशोक बौद्ध था, अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और बौद्ध धर्म उसने अपनाया तो उसके टाइम में क्या था कि उसने खुद तो बौद्ध धर्म अपनाया लेकिन किसी पर आरोपित नहीं किया धर्म, उसने धर्म की नीति अपनाई कि धर्म सबका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन उसके बाद के जो शासक हुए उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे वो जो भागवत धर्म है जिसको सनातन धर्म कहा जाता है या जो ब्राह्मणवाद के विरोधी लोग हैं वो ब्राह्मण धर्म भी कह देते हैं, हालांकि ब्राह्मण कोई धर्म नहीं है, एक जाति है। तो सनातन धर्म और जो भागवत धर्म एक रूप से है उसको धीरे धीरे वो डिक्लाइन हो रहा था। तो जब कोई मान्यता जो बहुत मजबूत है किसी समाज में वो डिक्लाइन होती है तो एक प्रतिरोध एक प्रतिशोध उत्पन्न होता है समाज में, एक प्रतिरोध एक प्रतिशोध उत्पन्न होता है, उसी प्रतिरोध और प्रतिशोध का जो है कारण ये माना जाता है कि जो शुंग पुष्यमित्र शुंग था वो बहुत कट्टर ब्राह्मण था। क्योंकि क्या था कि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ऐसी स्थिति बना दी गई थी कि जो ब्राह्मण है वो सारे समस्याओं के कारण है। तो जब कोई ब्राह्मण राजा बना तो उसने कट्टरता अख्तियार कर लिया। और बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि पुष्यमित्र शुंग के कट्टर होने का ये सबसे बड़ा कारण था कि उससे पहले जो मौर्य थे वो बौद्ध थे और उन्होंने भागवत धर्म को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था और उसी के प्रतिक्रिया में शुंग बहुत कट्टर हुआ। अब बात करते हैं मनुस्मृति की। मनुस्मृति जिससे जानकारी मिलती है शुंग वंश के बारे में, मनुस्मृति बहुत ज़्यादा चर्चा में इसलिए रहती है। सबसे पहली बात तो मनुस्मृति के बारे में जो लोग कुछ नहीं जानते वो भी अपनी राय रखते हैं क्योंकि उन्होंने व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी में इसके बारे में पढ़ाई किया है और वो ये भी नहीं जानते किसने लिखा है क्यों लिखा है और बस यूं ही जो कहीं से कुछ भी उल्टा सीधा पढ़ लिया और लगे माचने। मनुस्मृति कानून की एक किताब है, एक कानून की किताब है जिसको एक मुनि हुई है मनु जिन्होंने लिखा है। तो ये कानून की किताब थी जो शुंग वंश के आसपास लिखी गई जिस पर आज बहुत चर्चा होती है, ये सारे बात वही उसी वक्त लिखे गए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुंग वंश से पहले मौर्यों का शासन था जो बौद्ध थे और उन्होंने भागवत धर्म को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया
तो प्रतिक्रिया में जब ब्राह्मण सत्ता में आए तो उन्होंने कट्टरता का रुख कर लिया, और इसी का प्रमाण जो है मनुस्मृति में कहीं कहीं देखने को मिलता है। लेकिन वर्तमान में जो बातें मनुस्मृति को लेकर की जाती हैं वो राजनीतिक रूप से की जाती हैं। जब अंग्रेज हमारे देश पर शासन करने के लिए आए, और वो चूंकि जब आप कोई व्यवस्था चला रहे हैं तो उसके लिए कानून होना चाहिए, और पूरी दुनिया ने कानून बनाना मनुस्मृति से सीखा। इससे पहले कोई कानून की स्पष्ट किताब नहीं मिलती है व्यवस्था में। सबसे पहली कानून की किताब इस सभ्यता में, इस पूरी मानव सभ्यता में मनुस्मृति है। अगर इसमें कोई प्रावधान गलत है तो उस पर अलग से संशोधन नहीं हो सकता है क्या? हमने एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया जब हमको आजादी मिली, और हमने एक संविधान बनाया जिसमें हमने उस वक्त सबसे अच्छे अच्छे प्रावधान थे, चाहे मानवता के दृष्टिकोण से हो या आर्थिक दृष्टिकोण से हो, राजनीतिक दृष्टिकोण से हो, सब कुछ हमने सम्मिलित किया अपने संविधान में। फिर भी वर्तमान में 100 से ज्यादा संशोधन हमें करने पड़े। आप कल्पना कीजिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी, इन सबके टाइम में बनाया गया जो कानून, जो संविधान, उसमें अगर इतनी कमियां निकाली गई कि 100 से ज्यादा संशोधन करने पड़े, तो क्या मनुस्मृति के 2-4 संशोधन संभव नहीं थे? जिन 2-4 बातों की वजह से लगातार मनुस्मृति को बिना पढ़े कोसा गया, क्या ये इतिहास को पढ़ने का सही तरीका है? मेरे कहने का ये बिल्कुल मतलब नहीं कि आप मनुस्मृति को सही मान करके आप उसी मार्ग पर चलने लगे, नहीं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर किसी को सवाल करना है किसी चीज पर तो पहले उसको जानना होगा। बिना देखे बिना पढ़े अगर आपने किसी को ये कहकर हटा दिया कि ये तो गलत है, तो आप सही नहीं कर रहे। तर्क होते हैं, कुतर्क होते हैं, और वो किसी तथ्य के आधार पर होते हैं, बिना पढ़े नहीं। मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है? यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर नारी की पूजा होती है वहां पर देवताओं का वास होता है। लेकिन वहां पर जो तथा कथित नीचे की जातियां थी उनके लिए दंड के जो है प्रावधान किए गए, जो वर्तमान समय के समाज के हिसाब से फिट नहीं बैठते हैं, गलत हैं, तो उसमें संशोधन करके क्या उसको सही नहीं किया सकता है? तो ये तरीका होना चाहिए इतिहास को पढ़ने का। सीधे सीधे खारिज करने से कोई फायदा नहीं। अगर वर्तमान में हम संविधान की किसी धारा को हटाना चाहें तो क्या हमको उस धारा को पढ़ना नहीं पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। हमने बहुत सारी धाराएं बदली। किसी धारा को अगर हटाना है या उसको सिरे से खारिज करना है तो उसको पढ़ना पड़ेगा। संविधान की जो सबसे अच्छी किताब है, जिसको सारे एस्पायरेंट पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत की किताब है, इसको सब पढ़ते हैं। उस लक्ष्मीकांत की किताब में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए मॉडर्न मनु शब्द का इस्तेमाल होता है, आधुनिक मनु, क्योंकि वो भी कानून बनाए थे, और उससे पहले जो कानून बनाने का प्रेरणा कहाँ से मिला था? मनु से मिला था। तो अगर किसी को क्रिटिसाइज करना है तो सबसे जरूरी चीज ये है कि आपको पहले जानना होगा कि तथ्य क्या है। तथ्य के बिना कोई क्रिटिसिज्म सही नहीं होता है। तो ये आपने पढ़ा, इसके बारे में बहुत ज़्यादा इतिहास में जिक्र नहीं है, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी हमने उसकी चर्चा कर दी है, और इसमें से सवाल आने की संभावना बहुत कम है प्रारंभिक परीक्षा में। लेकिन एक इतिहास को समझने का, वर्तमान समाज से उसको जोड़ने का एक जो नज़रिया है वो ज़रूर यहाँ से बनता है, और ये बनना भी चाहिए। इसके जो अंतिम शासक हैं देवभूति,
इसके अंतिम शासक देवभूति हैं, इनकी हत्या करते हैं वासुदेव और कर्ण वंश की स्थापना करते हैं। तो शुंग वंश के संस्था स्थापना 184 BC के आसपास होती है। इसके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग हैं और इसकी जानकारी के स्रोत पतंजलि का महाभाष्य है, गरुड़ स्तंभ है और मनुस्मृति है। ये पुष्यमित्र शुंग कट्टर ब्राह्मणवादी था और अंतिम शासक जो है वो देवभूति हैं, इसकी हत्या करके वासुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना की। इस क्लास में इतना ही, आगे क्लास में आप पढ़ेंगे सातवाहन वंश के बारे में। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए क्लास आपको कैसी लगी। धन्यवाद।